31वीं सीनियर राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही हिमाचल की टीम के खिलाड़ियों के लिए प्रदेश कॉर्फबॉल संघ द्वारा ज्वालाजी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में उपायुक्त कांगड़ा एवं कॉर्फबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति भी शामिल रहे। 31वें सीनियर राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही हिमाचल प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों के लिए प्रदेश कॉर्फबॉल संघ द्वारा ज्वालामुखी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त कांगड़ा एवं कॉर्फबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने की। इस अवसर पर उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि 31वीं सीनियर राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही हैं खिलाड़ियों के अच्छे खेल प्रदर्शन एवं कड़ी मेहनत की बदौलत ही हिमाचल प्रदेश की टीम विजेता बनी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करते रहे तथा संघ द्वारा खिलाड़ियों की सुविधा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसका एक ही उद्देश्य ये ज्वाला माँ के चरणों में इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे युवाओं को कैसे नशे से दूर किया जा सके, कैसे उनको पढ़ाई लिखाई और खेलकूद की तरफ मोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी आने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार रहें। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि पढ़ाई और खेलकूद के अलावा भविष्य के चयन के बारे में भी सोचें। उन्होंने खिलाड़ियों को 25,000 रुपए दिए और एसोसिएशन को ज्वालामुखी मंदिर की तरफ से 51,000 रुपए का चेक दिया गया। हिमाचल प्रदेश कॉर्फ संघ के कोच देवदत्त ने कहा कि मैं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिस दिन से कॉर्फबॉल के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला उस दिन से गत वर्ष भी वो गोल्ड मेडल जीत कर लिए और इस वर्ष भी गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। हिमाचल प्रदेश कॉर्फबॉल संघ के महासचिव बीआर सुमन ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश में कॉर्फबॉल बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भोपाल में आयोजित 31वीं सीनियर राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में 23 राज्यों की टीमों में हिमाचल प्रदेश की टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि गत वर्ष हमारे जो संघ के अध्यक्ष महोदय थे ऊना में थे तो उन्होंने एक 18वीं फेडरेशन कप का आयोजन बड़ा सफल आयोजन जिसका कि भारतवर्ष के 9 राज्यों ने जो प्रथम 8 टीमें आती थी वो उस फेडरेशन कप में उन्होंने भाग लिया और अभी हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भोपाल में गए तो वहाँ बताया गया कि इस प्रकार का आयोजन पहली बार कॉर्फबॉल में हुआ। वो सारी के आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय जो अध्यक्ष महोदय हैं जिस दिन से इन्होंने कॉर्फबॉल का अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला हमारे बच्चे गत वर्ष भी गोल्ड मेडल आए और इस वर्ष भी गोल्ड मेडल आए। ये सारे इन्हीं की कृपा के इनके मार्गदर्शन से हमारी टीम में 31वां कॉर्फबॉल जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें हिमाचल ने गोल्ड पदक जीता है। आज उन्हीं प्लेयर्स को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है और माता जी के प्रांगण में इसका पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने का सिर्फ एक मकसद है कि जो हमारे युवा हैं उनको कैसे नशे से दूर रखा जाए, कैसे उनको पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ा जाए। कोशिश हमारी यही है और इसमें जो कॉर्फबॉल एसोसिएशन है अपनी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक जो पर्सनालिटी जो परफेक्ट हो सकता है वो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। ठीक है, एक आप सोचते हैं ना कि हम गेम खेल रहे हैं, हम यहाँ समय लगा रहे हैं और चीज़ों से, मैं बोलता हूँ कि ना सिर्फ आपका शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का विकास होता है, कभी भी आप ये आप लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, कभी आपने सुना है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन सुसाइड कर रहा है, कभी हुआ है ऐसा? होगा तो बहुत रेयर केस होगा। उसके पीछे कारण है, आपको सिर्फ ना सिर्फ शारीरिक तौर पर सफलता मिलती है बल्कि मानसिक तौर पर भी आप उसी हिसाब से तैयार होते हैं। तो आप समाज की वो इकाई है जिसको मैं परफेक्ट मानता हूँ। इस अवसर पर उपायुक्त ने कोच देवदत्त प्रेमी, मैनेजर पवन रांगड़ा, कप्तान विशाल शर्मा, आदर्श ठाकुर, सुनील कुमार रवि, अभिषेक कोंडल, अवनीश कपिल, साजन सुशील, आरती तमन्ना, इंदुवाला, नेहा, प्रिया, पूजा, अनमोल, ब्रिज, बनीता को सम्मानित किया। कार्यक्रम में एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा, संघ के उपाध्यक्ष महेंद्र पाल ठाकुर, कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय रेफरी विनोद कुमार, प्रेस सचिव पवन रांगड़ा, सचिव देवदत्त प्रेमी, हमीरपुर महासचिव प्रवीण शर्मा, बिलासपुर से बाल कृष्ण, कांगड़ा से निर्मल धीमान, संदीप कुमार, संतोष कुमारी व अन्य उपस्थित रहे।